हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और आज मौसम देखो आप लोग तो काफी जबरदस्त वाला हो रखा है। हर तरफ है बादल बादल और धुंध छाई हुई एकदम जबरदस्त वाली। आज मुझे लगता है कि बर्फ पड़ जाए साइड से, लेकिन पता नहीं पड़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। ऐसा मौसम होता है और बाद में साफ हो जाता है, बर्फ नहीं पड़ती। लेकिन आज क्या है, पिछले रात से 1-1.5 बजे से जो है बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। पहले जो है तब बारिश नहीं होती थी, तो अभी बारिश हो रही है, शायद बर्फ पड़ जाए। देखते हैं पड़ती है नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कि पड़ेगी। शायद ऐसा हो कि बर्फ यहाँ पे बस बारिश ही हो और स्नोग ना गिरे। ऊपर ऊपर जो आप लोग वहाँ पे ये बादल देख रहे हो, यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ जो है वो गिर चुकी है। यहाँ पे हो सकता है आप देख पा रहे होंगे हल्की हल्की बर्फ यहाँ पे गिर चुकी है। ये देखिए बादलों के बीचों बीच, इधर गिरेगी या नहीं ये तो कोई पता नहीं। अभी ऐसा करते हैं कि अंदर चलते हैं। थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी सर पे परना भी बांध रखा है, सिर दर्द हो रही थी, सर्दी जुकाम वगैरह लगी है। तो ऐसा करते हैं, अभी यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ऐसा ना हो कि मैं बारिश ऊपर गिरे उससे वजह से मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँ। तो अंदर घुसते हैं। अभी एक भाई बोल रहे थे कि भाई डॉग अडोप्ट कर लो आप भी। ये देखो ये है मेरा डॉग, ठीक है। हेलो, गजब बेइज्जती है, देखो कितना शरीफ बन के बैठा हुआ है। मिकी, ओए, ठंड है ना, ठंड की वजह से ऐसे नाक नुक दबा के बैठा हुआ है ये। इधर देख ले, बताया था ना कि ये मेरी सुनता नहीं है, अभी भी बिल्कुल नहीं सुनी इसने। देखा आपने भी जा चुकी है, तो अभी ऐसे अंधेरे में बैठना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ आप लोग देखो दवाइयाँ रखी हुई है, बाम रखा हुआ है, इनका भी कोई असर नहीं हो रहा है। बाम भी लगाया था लेकिन बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी देखते हैं, फर्क नहीं पड़ा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे लगता है। देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं। एक तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ऐसे भी होता है यहाँ पे कि रोड वगैरह जो है वो खराब हो जाते हैं, स्लाइड वगैरह हो जाती है, तो उससे रोड खराब हो जाते हैं, गाड़ियां वगैरह एक साइड फंसी रहती है। तो देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा और तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो हॉस्पिटल जाएंगे। फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना काढ़ा पी लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। देसी नुस्खा एक टाइप का, तो बनाते हैं काढ़ा, आरती को बोल के आरती से भरवाते हैं। आरती, हेलो, उठ जा, काढ़ा बना दे। ये कौन सा टाइम है सोने का, है? लाइट वगैरह है नहीं ना, लाइट वगैरह है नहीं तो ऐसे सो सो के दिन निकालने पड़ते हैं, अभी क्या करें। जाओ काढ़ा बना दो, मैं खुद बना लू। अच्छा, 2 मिनट में क्या नींद पूरी हो जानी है? जाती हूँ। अच्छा चलो, थोड़ी देर के बाद में मैडम मान गए काढ़ा बनाने के लिए, तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ साथ में। लेकिन शर्त ये रही थी कि साथ में मुझे भी जाना पड़ेगा तभी, क्योंकि इसको पता नहीं घर में क्या होता है, डर लगा रहता है। मूवी देखती है ना ये भूतों चुड़ैलों वाली, तो इसको लगता है कि ये मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, ये अकेले कहीं नहीं जाती। मैंने कब डराया, मूवी देखती है बस उसके बाद अकेले कहीं नहीं जाती। वो तो मैं ऐसे मजे ले रहा था, वो तो ऐसे मजे ले रहा था मैं। तो चलो, तो चलो अभी ऊपर चलते हैं, बनाते हैं काढ़ा, क्योंकि यार सी भी हो रही है और ऊपर से कोल्ड फीवर सारा कुछ एक साथ ही लग गया है, तो काढ़ा वाढ़ा जो है पीना पड़ेगा, तभी सही होगी तबीयत। और इधर ये बादल ऐसे चढ़ रहे हैं ना ऊपर कि मानो पता नहीं इन्होंने बर्फ गिराई देनी है। मैं सोच रहा हूँ कि बस बर्फ गिर जाए और लाइट ना जाए, बस फिर अंदर घुसे रहेंगे, मूवी मूवी देखते रहेंगे, फोन में लगे रहेंगे, कहीं ना जाना ना कहीं आना। ऐसे भी कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी जाते हैं वो भी नहीं जाना होगा। सो अभी यहाँ पे काढ़ा बन रहा है, काढ़ा का ये सामान है, पता नहीं क्या क्या आई है, मुझे तो नाम भी नहीं आते इनके। बाकी चलो अभी बनाते हैं काढ़ा, देखते हैं फिर असर होता है कि नहीं। आदमी भी पिएगा? हाँ मैं पीऊंगा। पक्का? हाँ, तो बीमार थोड़ी ना हो रखा, बीमार लोग पीते हैं इसे। बीमार मैं भी हूँ। अच्छा, 5 minutes later. फाइनली यार गाइस काढ़ा बनके रेडी है, तो अभी ऐसा करते हैं इसको पीते हैं, देखते हैं फिर फर्क पड़ता है या फिर नहीं। पहले तो टेस्ट करते हैं कैसा है ये। टेस्ट में तो ठीक है, तो इसको पीते हैं अभी। अभी यार काढ़ा तो पी लिया, लेकिन भूख फिर से लग पड़ी है। सुबह वैसे खा लिया था, तो अभी फिर से लग पड़ी है। वैसे ऐसे बेले होते हैं ना, तो भूख बार बार लगती रहती है, अगर किसी काम में बिजी रहे तो ऐसा होता है कि ध्यान नहीं होता भूख में, तो लगती नहीं है। अभी ऐसे बेले बैठे हुए ना, तो दिल कर रहा है क्या करें क्या करें क्या करें, फिर घूम फिर के बस खाने पर आ रहा है ध्यान कि कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। लेकिन अभी कुछ खाना नहीं है। लाइट चेक करते हैं कि आई है या नहीं। आ चुकी है लाइट, तो अभी नीचे रूम में चलते हैं और टीवी देखते हैं, थोड़ा वैसे टाइम पास करते हैं, और फोन की बैटरी बूटरी जो है वो चार्ज करके रखते हैं। क्या पता यहाँ पे कब बर्फ पड़ जाए और कब लाइट गायब हो जाए। उससे पहले यहाँ आधी पहुंच चुका है। मूवी कौन सी चल रही है? मूवी चल रही है कौन सी है ये?
पता नहीं दिलेर डेयरिंग, इसको देखते हैं अभी। A few moments later. सुनो यहाँ देखो कैसी तबीयत है अब। ठीक है। सच्ची बोलो। ठीक है पहले से। पक्का ठीक है ना? हॉस्पिटल तो नहीं जाना? जाओ देख लो, नहीं ठीक लग तो नहीं रही। ठीक है? नहीं ठीक हूँ। कुछ असर हुआ दवाई का? थोड़ा बहुत फर्क है। गैर दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद अभी थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर अभी किचन में आग वगैरह जलाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि सुबह से बिस्तर में लेटे लेटे बुरा हाल है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 ऐसा हो रहा है टाइम। तो सुबह से मैं बिस्तर में था, काफी टाइम मैं बिस्तर में लेटा रहा, तो ऐसे में क्या हुआ ना, ऐसे दर्द ऐसी होने लग गई है। तो अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि आग वगैरह सेकते हैं थोड़ा। और बाहर की तरफ आप लोग देखो तो पूरे के पूरे एरिया में धुंध हो गई है, घर भी अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहे हैं। देखो इतनी ज्यादा धुंध पड़ी है चारों तरफ। यहाँ जो सामने पहाड़ दिखते थे इतने प्यारे प्यारे, वो भी अभी बिल्कुल गायब है। 2 दिन से बिल्कुल मौसम ऐसा का ऐसा है, लेकिन बर्फ है कि गिरने का नाम नहीं ले रही, ऊपर ऊपर पड़ रही है। हमारे यहाँ बस बारिश लगी हुई है, तो देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ बर्फ देखने के लिए, देखते हैं गिरती है नहीं गिरती है। तो तभी यार गाइस हम लोग किचन में बैठे हैं, आग जला के मस्त मस्त आग जली है और आग का नजारा ले रहे हैं। आग के पास में बैठ के हम लोग सारे एक साथ अभी मिलके खाना खा रहे हैं। शिवांश एक बार हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस शिवांश करो, नहीं हैंडू कोई बात नहीं, हैंडू अच्छे हैं, ऐसे करते हैं। हेलो गाइस करना शिवांश जल्दी करना, इसको पहले हैंडू धोने हैं उसके बाद हेलो गाइस करना है। नहीं पहले बोलो जल्दी करो, जल्दी करो हेलो गाइस। हेलो गाइस। और खाने में आज बनाई ये जी पालक पनीर, बुला रहा हो रहा कैमरा, पालक पनीर चावल और ये दाल उड़द की। तो अभी ऐसा करते हैं कि जल्दी से खाना खा लेते हैं, बहुत आग सेक ली। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, ठंड भी काफी ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से रूम में चलते हैं। A few moments later. अभी यार गाइस खाना खुना खाने के बाद में अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं, तो ज्यादा ब्लॉग ये बना नहीं आज का, फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि तबीयत सच में सही नहीं है। बात भी करी जा रही क्योंकि खांसी लगी है, सर्दी लगी है, सारा कुछ एक साथ हो गया है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।